बिहार में कल यानी 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव के एक बयान पर विपक्ष को चुनाव में भुनाने के लिए मुद्दा मिल गया, लेकिन अब तेजस्वी यादव को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। तो तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या बयान दिया कि डैमेज कंट्रोल करना पड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी यादव के एक शब्द को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल तेजस्वी यादव अपनी एक चुनावी सभा में बाबू साहेब शब्द का जिक्र किए थे, जिसे जाति विशेष के लिए समझकर सियासी पारा गर्मा गया और विरोधियों को निशाने साधने के मौके भी मिल गए। बता दें कि बिहार में आमतौर पर राजपूत बिरादरी के लिए बाबू साहेब शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल करते हुए इस बयान पर सफाई दी है। तेजस्वी ने कहा है, मेरे बयान को गलत तरीके से लोगों के बीच प्रचारित करने की कोशिश विरोधियों द्वारा की जा रही है। मैंने राजपूतों को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि बाबू शब्द से मेरा कहना बिहार सरकार के उन सभी सरकारी विभागों में कार्यरत लोगों से था जो आमतौर पर नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं। अब तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल करते हुए इशारों इशारों में ही नीतीश सरकार पर तंज कस दिया और साथ ही चुनाव के पहले बाबू साहेब शब्द का इस्तेमाल कर जाति कार्ड भी खेल दिया। इसे लेकर बीजेपी ने भी तेजस्वी पर चुनाव को जातियों के आधार पर बांटने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी के लिए डैमेज कंट्रोल काम आता है या फिर विरोधी इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब होते हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।